फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर कैथलिक डायोसिस ऑफ फैसलाबाद में मुकद्दसीन पत्रस और पलूस की ईद के मौका पर अपने 61वीं सालगिरह यानी अपने डायमंड जुबली मना रही है। इस मौका पर बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि ये दिन खुशी, जश्न, शुक्रगुजारी और नए अहद का दिन है। ये डायोसिस 20 और 21वीं सदियों का हसीन मिलाप है। ये डायोसिस मिशनरियों और मकामी खादमों और खादमात के शबरोज की मेहनतों का सिला है। बिशप जॉन जोसेफ पहले मकामी काहिन और मकामी बिशप का दर्जा और आजाद रखने वाली शख्सियत की माँ फैसलाबाद डायोसिस है और मोमिनीन में से पहला मकाम इल्मे अलहियात के उस्ताद का दर्जा रखने वाला और पोप जॉन पॉल से हुस्ने कारगर्दगी का एजाज़ हासिल करने वाला अजीम मोमिन पॉल अर्नस भी इसी डायोसिस का फख्र है और कई एजाजात इस डायोसिस को हासिल है। फादर आबिद तनवीर, विकर जनरल फादर पास्कल पलूस और फादर परवेज इमैनुअल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है, अनजहानी बिशप जॉन जोसेफ के बाद शदीद बहरानों से गुजरती हुई डायोसिस की इस कश्ती को बड़े जोश ईमान से डॉक्टर फादर इंद्रियास रहमत ने सहारा दिया है। महसूस करने वाले कहते हैं कि तब्दीली आ गई है। जिस घर में कोई अपनायत महसूस करे वो घर सुखी होता है। इस मुनक्कदा तकरीब में फादर्स, सिस्टर्स और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की।